अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आईन बिकता है, यहाँ कानून बिकता है, खुदा की मुमलिकत में आदमी का खून बिकता है। लिफाफों और प्लॉटों के एवज बिकती है खुददारी, यहाँ पर मीडिया का सेठ अफलातून बिकता है। आईन और कानून पे बात करने से पहले बचपन के किस्से से शुरुआत करूंगी कि नई नई हाउस जॉब शुरू हुई थी, सिंध के किसी बासर शख्सियत की जो बेगम थी वो पेशेंट थी, नई नई जॉब थी, बड़ा खूब दिल लगा के, क्योंकि जाहिर है सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ओनली सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम दे पाते हैं वर्कलोड की वजह से, लेकिन जो नए डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जरा ज्यादा टाइम होता है डिटेल में हिस्ट्री वगैरह लेने का। जब डिस्चार्ज का वक्त आया तो जो थे वो साहिब खाना जो थे वो इतने खुश थे कि उन्होंने पहले पैसा ऑफर की, तो उनको कहा कि नहीं, जो आप हमें पैसे ऑफर कर रहे हैं ऐसा करें किसी मरीज को चैरिटी में दे दें। उनको ये वाली बात कुछ खास पसंद नहीं आई, उन्होंने वो पैसे वापस रख लिए बजाय इसके कि वो किसी और मरीज के बिलिंग में वो जाया करते। खैर, पैसों के इनकारी के बाद क्या हुआ, अगले दिन एक बड़ी सी गाड़ी में जो था वो डॉक्टर साहब के लिए गांव का देसी घी, शहद, ताजी सब्जियां, मुर्गियां, एक बाकायदा अंडों का बड़ा सा टोकरा आया। नानो को ये चीजें बहुत पसंद थी, तो खुशी खुशी, इंसान है, बच्चे थे उस जमाने में, अकल भी नहीं थी, लालच आया। और जब वो चीजें घर पहुंची तो वो क्लास लगी, नाना ने वो लाइन हाजिर किया। अब हम आई बाई शाई कर रहे कि हमें तो ये सब कुछ नानो को कितना पसंद है और ये तो फ्रेश, वो यहाँ पे आप हमेशा कंप्लेन करते रहते कि हमें वो ये होती, और आपको तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमें कल पैसे ऑफर किए थे, हमने तो पैसे ऑफर के लिए भी नहीं। तो उस पर वो कहते हैं कि बेटा अभी तो ये आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको तोहफे तोहफे मिल रहे हैं, लेकिन आपने जो उन खातून की खिदमत की, जिस तरीके से भी की, जिस लेवल से की, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। आपकी तनख्वाह अगर कम है तो जाके स्पेशलाइजेशन करें, अपने आप को उस काबिल करें, उस लेवल पे लेके आए कि आपको आपके मूड के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक, आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक आपको सैलरी मिले, और जब तक वो आपका लेवल नहीं आता तब तक आपको इसी तनख्वाह पे गुजारा करना है। अब अगर आज आप उससे ये तोहफा वसूल कर लेते हैं और वो कल को आपके पास आके ये कहता है कि मुझे जाली सर्टिफिकेट बना दो, तो क्या आप वो साइन करेंगे? कि आपका जमीर आपको मुतमईन करेगा? आपको याद नहीं है कि जो आपने डॉक्टर बनते हुए जो ओथ लिया था वो एक तरह से आप कुरान पे हाथ रख के, हलफ रख के लेके वो आप बात कह रहे होते हो, और कुरान वो चीज है कि जिसको आप बावजू हुए बगैर हाथ नहीं लगा सकते। और जब अल्लाह के पास जाओगे और अल्लाह के सामने ये कहोगे कि मैंने हल्फ लिया था कि मैंने अपने मरीजों की के साथ ईमानदारी से, उनके उनके साथ पूरी ईमानदारी से अपनी काबिलियत के मुताबिक मैंने उनके साथ पेश आना है और उनके साथ कोई जुर्म और ज्यादती नहीं होने देनी, तो फिर वो उन्होंने कहा कि अगर, चलो इतनी बड़ी बात भी ना हो, अगर वो आके आपसे ये कहता है कि आप ओपीडी में बैठी हैं, आपके पास गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, 400-500 बंदा ओपीडी में आता है, अगर आपके पास ओपीडी में 150 बंदा लाइन लगा के खड़ा है और वो अपने चार बंदे लेके आता है और कहता है कि इनको देखो लाइन से पहले, आप उस वक्त क्या करेंगी? क्योंकि आप तो उनका तोहफा लेके खा चुके हैं, तो एक तरह से आप उनका, आपने उनकी भी सैलरी, अपनी सैलरी होने के बावजूद आपने उनकी सैलरी ली, आप उनके पेरोल पे आ गए और आप अब बाउंड हैं वो आपसे जो करने को कहते हैं वो करने के लिए, क्योंकि आप ये काम करेंगे, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री मील। आपको वो कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, या आज को जो आप मुर्गियां खाओगे या अंडे खाओगे, कल को ये आपके हलक को आ जाएंगी ये मुर्गियां और अंडे। उस वक्त ये बात कुछ खास पल्ले नहीं पड़ी थी, बात पल्ले पड़ती है अब। अब पल्ले पड़ती है कि जब नवाज शरीफ के हाथ खिलाई गई मुर्गियां और जजों के खाए हुए अंडे इस कौम की सांस में फांस बन के बैठ गए हैं। अकल मानने को तैयार नहीं होती कि एक इतनी काबिलियत वाला इंसान, जिसने अपनी डिग्री के लिए इतनी मेहनत की हो, जो इतना पढ़ लिख के एक मकाम पे पहुंचा हो, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत का मकाम दिया हो, और उसको ये कहा जाए, उसके लिए ये वर्ड यूज हो कि नवाज वकील नहीं करता, नवाज जज कर लेता है। किस कदर की नमोशी की बात होगी उन लोगों के लिए जिनकी जेर तरबियत हम लोग पले होते हैं, अगर वो लोग ये देखेंगे कि उनकी तरबियत, उनकी 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 शफकत पे मैंने क्या बट्टा लगाया है कि मैं अपने नाम के आगे ये कहूं कि मैं किसी के पेरोल पे हूं, किसी के पर्सनल पेरोल पे हूं। उनको भी ये बात तकलीफ देती होगी, यकीनन तकलीफ देती होगी, क्योंकि ना शायद कुछ चीजें होती है ना उगलते सुकून ना निगलते सुकून। आए दिन अदलिया का तमाशा बनता है बंद कमरों दरवाजों में, और अब तो पिंजरों में अदालतें लगती हैं। ये अदालत का मजाक नहीं तो और क्या है? एक इंसान आपका मुजरिम आपसे कहता है कि मेरा ओपन कोर्ट ट्रायल करो, वो अपने केस की एक एक चीज अवाम के सामने रख रहा है, वो तो इंटरनेशनल मीडिया से ही बड़े बोल्ड तरीके से अपने केसेस पे उसने बात की, और कौन सा ऐसा एस्पेक्ट नहीं था उसके केसेस का जिसपे उसने बात ना किया हो, चाहे साइफर का तमाशा हो, चाहे साइफर का माहौल हो, चाहे तोशाखाना केस का माहौल हो, वो सारे माहौल उसने इंटरनेशनल मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया तो खैर छोड़े जाने दें, क्या करनी बात, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी आंखों में आंखें डाल के उस बंदे ने ये वाली बात की, तो फिर आखिर अदलिया की ऐसी क्या मजबूरी है कि ट्रायल जो है वो बंद कमरों में हो रहा है? अगर ऐसी ही कोई चीज है, क्या चीज साइफर केस को लेके ऐसी, वो कौन सी बात है जो इस
मुल्क के किसी भी एक पाकिस्तानी को पता ना हो। बच्चे बच्चे को पता होगा कि साइफर क्या था, बच्चे बच्चे को यह पता है कि साइफर जिस किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो किस किस्म के हैं। बच्चे बच्चे को यह वाली बात पता हो चुकी है कि जो अदालत में जो रोज अदालत चलती है और जो रोज अदालत में भी खर्च, जब अदालत लगती है उसका भी खर्चा आता है जो कि टैक्स पेयर मनी पे यूज होता है, वहां टैक्स पेयर मनी जाया होती है। अदर देन दैट वहां पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फैसले तो पहले से आए हुए हैं, फैसले तो पहले से हुए हुए हैं। और यही चीज जब आप ओपनली करेंगे तो आप अपनी ऑलरेडी जो एक जिसे कहते हैं ना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, एक कुछ चाहते हैं हम एहतराम करें, हमारा लीडर भी हमें ये कहता है कि हमने इदारों का एहतराम करता है, लेकिन कोई वजह नहीं दिखती। रायवंड के ग्वाल मंडेला ने तो चलो अपनी औलाद की तरफ तवज्जा नहीं दी थी, क्योंकि वो कभी गटर के ढक्कन चुरा रहे होते थे तो कभी मुल्क बदर होके भागते हुए मुंह छुपाते हुए भागते भूखते फिर रहे होते थे, तभी उनको इतनी आदत पड़ गई है कि वो अभी भी आज भी कोविड का जो मास्क है वो सिर्फ अपने मुंह को कवर करते हैं, क्योंकि उनको मुंह छुपाने की आदत पड़ गई है। जहां से भागता है ये बंदा मुंह छुपा के भागता है। उसने तो अपनी औलाद की तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन क्या आपको अपनी तरबियत का कोई इस मुल्क ने जो आपको दिया, इस मुल्क ने हमें वो ग्राउंड दिया है, पाकिस्तान ने हमें वो ग्राउंड दिया है कि जिसमें पल बढ़ के आज हम अपनी कुर्सियों पर पहुंचे हैं, अपनी पोजिशंस पे पहुंचे हैं, अपने मुकाम पे पहुंचे हैं। ये मुल्क हमारी औलाद के लिए एक एक गहवारा होगा। क्या हम मिलके इसकी इसकी भलाई के लिए काम नहीं कर सकते? क्या हम जरूरी है कि हम एक आदमी के पेरोल के लिए मक्कस होके रह जाएं और उसकी खाई हुई अंडे और मुर्गियां हमारी पूरी कौम के लिए अजाब बन के रह जाए? खुदारा खुदारा, ये कौम बहुत बड़े दिल वाली है। अगर कुछ ऐसा हुआ भी है कि जिसकी वजह से वो पानामा क्वीन ने कोई वीडियो भी बना ली है ना, तो प्लीज कम क्लीन, कम क्लीन, अभी भी वक्त है। अल्लाह के सामने भी सुर्ख रुख होंगे, इस कौम के सामने भी सुर्ख रुख होंगे। जो जो दुनिया के हालात चल रहे हैं वो वक्त करीब, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है कि हम अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे और अपनी करनियों को हिसाब दे रहे होंगे। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि जिससे एक जिंदगी नहीं कई जिंदगियां लिंक्ड होती हैं, तो खुदारा उस मुकद्दस पेशे का ख्याल करें, इस कौम का ख्याल करें, अपने मुस्तकबिल का ख्याल करें, अपनी आखरत का ख्याल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।